अमन भैया, हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अमन भैया का व्यूज और अमन भैया आ गए हैं आज और आपको मिलवाते हैं हम अपने एक बेवफा दोस्त से। ये है मेरा छोटा भाई बेवफा। कौन से बेवफा? नहीं आया मेरे शादी, भाई की शादी में। शादी नहीं थी, सगाई थी। सगाई में नहीं आया मेरे भाई के साथ। अच्छा, आप लल्ला आएगा, एक प्लेट मेरी बर्बाद करेगा, मजा करेगा, लेकिन नहीं, लल्ला ने कुछ नहीं किया। बेवफा लगे यार, लल्ला की भी शादी कर दी गई होती। बेवफा कहाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जब 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 कैमरा चल होता है तब तुम चुप हो जाते हो। कहाँ बरसात में जा रहे हो हैं? क्यों उठा रहे हो उसको? ये सब गंदे काम करते हो तुम। कोई जो देखा ही नहीं। हे गाइस, तो अभी मन आया था, मन से मुलाकात हुई उसको कुछ, तो उसको लूसिफर का और सीजन्स लेने थे। वो मतलब हमारे एग्जाम्स आ गए हैं बट उसको पढ़ना नहीं है, उसको अभी भी मूवी देखनी है। और लल्ला आ रहा है, शायद हम लोग कुछ खाने जाएं, भूख लगी है लल्ला को। कल के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, अमन के भी हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, मेरे भी हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। सुबह बारिश हो गई थी इसलिए हम लोग मैं वॉक के लिए नहीं जा पाया। और आज का भी मौसम कुछ ऐसा ही लग रहा है। बस आज तो पता चला कि बिजलियाँ गिरेंगी। बिजलियाँ क्या कर रहे हो? ये सेकंड्स मैंने बाइट नहीं ली थी, देखो अभी बाइट है। अच्छा, मैं उसी बाइट को वापस। तो गाइस दो बर्गर ऑर्डर किए, लल्ला पेमेंट कर रहा है। लल्ला की तरफ पार्टी है क्योंकि लल्ला कल मिस कर गया था और ये दोबारा खाया, सेकंड टाइम में हमने लिया है इसको। फर्स्ट टाइम ट्राइड टेस्टी फूड कॉर्नर बर्गर। अच्छा गाइस, तो अभी बस बर्गर खाया, 40 का था, अच्छा था। इससे अच्छा तो जो उस दिन मतलब उस दिन हमने 40 की जो एक सैंडविच खाई थी उससे तो ठीक ही था। ये हमें घर पर नहीं बना खा सकता, मतलब ठीक था, नॉर्मल था। आप भी आना चाहो, आ सकते हो हमारे गली में, टेस्टी फूड कॉर्नर करके है, आना चाहो सकते हो। उन्होंने उनको पैसा नहीं दिए हैं। हाँ, पैसे पूरे लिए हैं बर्गर के, पैसे उन्होंने मुझे प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दिए हैं। एक दो दिन बाद देने भी लगे क्या पता। हो सकता है आप लोग की दया कृपा रहे, मेरे 100-200 फॉलोअर बढ़ जाए तब हो सकता है मुझे मिलने लगे प्रमोशन के लिए। तो सब्सक्राइब करो। तो उसके बाद मैं सीधा घर आया और आपको एक चीज़ और बतानी थी, मैंने द सुसाइड स्क्वाड भी देख लिया। जेम्स गन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। जब वन ऑफ अदर डायरेक्टर्स को फुल छूट देते हैं तो डीसी की बहुत सारी बेस्ट मूवीज़ निकल जाती थी, जैसे कि डार्क मैन ट्रिलॉजी, उसके बाद सुसाइड स्क्वाड, दी सुसाइड स्क्वाड, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मस्त निकल के आती हैं जब मना कर देता है डीसी अपनी टांग लड़ाने से। तो जेम्स गन की बहुत अच्छी मूवी, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो अपने नज़दीक सिनेमा हॉल में देख लो जाके, और नहीं तो HBO मैक्स पे है, VPN लगा के देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ब्लॉग को भी एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लाइक, चैनल पर शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग पंजा सा नहीं था तो